गमगीन माहौल में सेना के ट्रक के ट्रक में रखकर दोनों पार्थिव देह को शहीदों की और अब इस जगह पर लाया जा रहा है। यहीं पर सैन्य सम्मान उनको दिया जाएगा, पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। धीरे धीरे ये देखिए सेना के जवान अब ट्रक से उतरे हैं। उतरने के बाद जो दोनों ताबूत हैं जिनमें तिरंगे में लिपटे हुए जवान अजय और ब्रजेंद्र के पार्थिव देह हैं, उनको उतारने का सिलसिला जो है वो अब यहाँ हो रहा है। यहाँ पर सेना के जवान जो पहले से यहाँ पर तैयार थे वे अब इन पार्थिव देह को ट्रक से नीचे उतार रहे हैं। तो फिलहाल ये शहादत बाहर नहीं जाया नहीं जाएगी, इस शहादत का जो बदला है जो इंडियन आर्मी जरूर लेगी। और वहीं पर इस वक्त जो है जम्मू में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बेहद गमगीन माहौल में तिरंगे में लिपटे हुए दोनों दोस्त उनकी देह इस वक्त ट्रक से उतारी जा रही है। जो जवान झुंझुनू के थे दोनों शहीद हुए थे साथ साथ, देखिए ये जवान गमगीन माहौल में शवों को अब एक जो रस्म अदायगी के साथ यहाँ पर अंदर लेकर के जा रहे हैं। इसी जगह पर जो विशेष जगह बनाई है इसी जगह पर पुष्प चक्र जवान शहीद जवान अजय शहीद जवान ब्रजेंद्र उनको सेना के अफसर अर्पित करेंगे। ये सैन्य तमाम काफी संख्या में लोग हैं, जयपुर के शहर के वासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वे भी दोनों शहीदों को सम्मान देने के लिए अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इस जगह पर इकट्ठा हुए। देख सकते हैं हम यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दलों के नेता हों वो यहाँ पर आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, स्थानीय निवासी जो जिनकी इनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है शहीदों के साथ सेना के साथ, वे सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पुष्प चक्र है, पुष्प चक्र यहाँ पर अर्पित होंगे और ये जवान तो झुंझुनू से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जम्मू के डोडा में शहीद हुए जवानों के पार्थिव देह झुंझुनू पहुंच चुके हैं और अब यहां से उन्हें उनके घर पहुंचाया जाएगा जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें झुंझुनू से आपको जयपुर से सीधे दिखा रहे हैं और अब उनके गांव ये पार्थिव देह पहुंचाए जाएंगे। जवान अजय और जवान ब्रजेंद्र के ये पार्थिव शरीर है जो उनके गांव पहुंचे हुए हैं, वहीं से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और सेना के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सैन्य सम्मान उन्हें यहाँ पर दिया जा रहा है। रस्म अदायगी के बाद उनके पार्थिव शरीर उनके परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के एक अधिकारी और चार जवान शहीद हो गए थे और उन्हीं के पार्थिव देह उनके घर पहुंचाने का सिलसिला अब शुरू हुआ है। एक तरफ जहां सैन्य सम्मान उन्हें दिया जा रहा है, श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है, तो दूसरी तरफ घर में गम का माहौल है और लोग गमगीन हैं। पूरे गाँव में गम की लहर इस वक्त छाई हुई है। डोडा में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए आतंकियों से लोहा लेते हुए जो शहीद होते हैं के ये दो जवान पार्थिव देह है उनका जो अंतिम संस्कार है वो का सैन्य सम्मान के साथ ही किया जाता है। और इसी कड़ी में जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए तिरंगा और जो आर्मी का जो झंडा है वो यहाँ पर फ्लैग यहाँ पर लहरा मतलब झुके हुए हैं। यहीं पर शहीद अमर रहे एक जो पोडियम जो एक पत्थरों का बना हुआ है मंच है जहाँ पर एक शहीद ब्रजेंद्र की जो पार्थिव देह को लाकर के यहाँ पर रखा जा चुका है। आप देख सकते हैं साथ में सेना के जवान खड़े हैं, लेकिन अब इनके चेहरे को देखिए, आप इनकी आंखों को देखिए, बिल्कुल नमी इनकी आंखों में है। और शहीद ब्रजेंद्र के बाद में अब शहीद अजय नरुका जो कि झुंझुनू के रहने वाले थे उनका भी पार्थिव देह को लेकर के आर्मी के जवान सेना के जवान यहाँ पहुंचे हैं। यहीं पर इसी स्मारक पर दोनों शहीदों के शवों को यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर कुछ देर के बाद जब दोनों को इन शवों को पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, आर्मी के बड़े जो सीनियर अफसर हैं वे पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, जो कैबिनेट मंत्री हैं वे पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। उसके अलावा देखिए तिरंगे में लपटा हुआ, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि
अजय और ब्रजेंद्र दोनों ही झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के रहने वाले हैं। दोनों ने साथ साथ आर्मी ज्वाइन की थी। दोनों का सपना था कि देश के लिए देश की सेवा करेंगे, देश के लिए आर्मी में भर्ती होंगे। दोनों ही महज कम उम्र के ये दोनों नवयुवक थे जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। उसके बाद अपनी जाबाजी और अपने हौसले के दम पर जो कल मुठभेड़ में ये लोग शामिल हुए, काफी लोहा भी लिया गया, लेकिन आखिरकार ये इन्होंने अपनी शहादत दे दी, प्राणों की आहुति दे दी। और ये जो दोनों साथी हैं अब जो एक साथ एक आर्मी में आए थे, आज वे ही तिरंगे में लिपट करके वापस जयपुर आए हैं। जी देखिए, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, उसके अलावा कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, ये यहां पर आए हैं। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शेखावटी अंचल से ही आते हैं, वे यहां पर आए हैं। तो ऐसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता हैं। और अब देखिए, पुष्प चक्र अर्पित किए जा रहे हैं सेना के सीनियर अफसरों की ओर से दोनों जवानों की पार्थिव देहों को। और उसके अलावा जो भी जयपुर शहर के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय निवासी हैं, वे यहां पर मौजूद हैं। नम आंखें सबकी है, वहीं पर जो बहादुरी है उसको लेके फख्र भी है कि दोनों शेखावटी के लालों ने अपनी शहादत दी, अपनी जीवन का प्राण की आहुति, देश की रक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर जहां पर आतंकवाद पनपा हुआ था, वहां पर आर्मी के इन लोगों जवानों ने आतंकियों से लोहा लेते हुए, आतंकियों से को खदेड़ने के लिए जो मुठभेड़ हुई उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे में यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित करने का जो एक रस्म अदायगी है वो यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले आर्मी के जो जवान जो अधिकारी हैं वे यहाँ अलग अलग जो रेजिमेंट्स के आते हैं वे यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। कलेक्टर, जिला कलेक्टर, जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की ओर से पुष्प चक्र अर्पित यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त जयपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं दोनों जवानों की पार्थिव देह पर। और यानी जयपुर शहर की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से भी पुष्प चक्र अर्पित यहां पर किया गया है। और उसके बाद अब जो मंत्री हैं वे यहां पर आएंगे संभवतया। तो अलग अलग जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वे यहां पर आए। अब जिला कलेक्टर के बाद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वे यहां पर पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए जवानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह खींवसर, वे खड़े हैं। तो फिलहाल अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके विधायक भी हैं शेखावटी से, उनकी ओर से पुष्प चक्र दोनों जवानों की पार्थिव देहों को अर्पित किया जा रहा है। उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। नम आंखों के साथ में उनको विदाई देने का जो ये वक्त है, जो सिलसिला है, वो यहाँ पर है। दो सभी शहादत को नमन कर रहे हैं, शहादत को, उनकी जाबाजी को नमन कर रहे हैं, सैल्यूट देकर के सम्मान किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और विधायक की ओर से। चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा शेखावट अंचल से ही आते हैं, ऐसे में उनकी ओर से भी ये पुष्प चक्र अर्पित यहाँ पर किया गया था। अब एक बार फिर से भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से ये पुष्प चक्र लाया जा रहा है पार्थिव देह की ओर से। जी जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष अभी पुष्पगुच्छ
अर्पित कर और श्रद्धांजलि देकर पहुंचे। इस बीच कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे हुए हैं और तमाम सेना के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इन दोनों जवानों को सलाम किया, इन्हें श्रद्धांजलि दी, पुष्प गुच्छ देकर इन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। उसके बाद इनके पार्थिव शरीर इनके गांव झुंझुनू के लिए रवाना किए जाएंगे। जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ जम्मू के डोडा के कोटी क्षेत्र में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त इन जवानों की शहादत हुई और देश के लिए इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते वक्त इन दोनों ही जवानों की शहादत हुई। ये दोनों जवान शहीद हो गए। हालांकि जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक दोनों ने साथ में ही आर्मी ज्वाइन की थी और साथ में ही देश की सेवा करने का सपना देखा था। जम्मू के डोडा क्षेत्र में इनकी पोस्टिंग थी, जहां पर बीते कल आतंकवादियों के साथ लगातार मुठभेड़ हुई और जिसमें आतंकवादियों ने जो काराना करतूत को अंजाम दिया, उसके बाद इन दोनों जवानों की शहादत हो गई। एक सेना के अधिकारी के साथ साथ चार जवान शहीद हुए हैं। ये दो जवान झुंझुनू के रहने वाले हैं, जिनके पार्थिव शरीर इस वक्त जयपुर पहुंचे हैं और उसके बाद झुंझुनू के लिए इनके पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इन्हें तमाम राजनेताओं द्वारा और सेना के अधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ अर्पित कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो भैंसावता कला गांव के रहने वाले हैं अजय और जिजेंद्र, जिनकी शहादत हुई है। राजस्थान के झुंझुनू से ये ताल्लुक रखते हैं। जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए वो उनमें एक जो हैं अजय सिंह नरुका हैं शहीद, जिनकी महज उम्र सिर्फ 26 साल थी और 26 साल में देश के लिए वे उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। झुंझुनू में सिंघाना से भैंसावत कला गांव के रहने वाले थे अजय सिंह नरुका। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजय के पिता कमल सिंह नरुका भी सेना में हवलदार रह चुके हैं, यानी कि पिता पहले सेना में हवलदार रहे, उसके बाद में अजय सिंह नरुका ने भी आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करना उनका मकसद था, देश की रक्षा करना उनका मकसद था। और कमल सिंह यानी जो अजय सिंह के पिता थे कमल सिंह, वे 2015 में रिटायर हुए थे आर्मी से, जिसके बाद अजय सिंह नरुका की ने आर्मी को ज्वाइन किया। और सब एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अजय सिंह नरुका की शादी 2021 में हुई थी और जो मतलब 4 साल के भीतर शादी के बाद उनकी पोस्टिंग हुई। अजय सिंह का छोटा भाई करणवीर सिंह भी इस वक्त पंजाब में है, एम्स में डॉक्टर है। और वहीं शहीद के जो चाचा हैं वे भी भारतीय राजपूत रेजिमेंट में हैं, यानी अजय सिंह के जो चाचा हैं वे भी इस समय सिक्किम में राजपूत रेजिमेंट में तैनात हैं। उन्हें 2022 में सेना मेडल से नवाजा गया। इस वक्त अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री हैं, वे दोनों शहीदों की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि अजय सिंह नरुका के जो परिजन हैं, जो परिवार के और भी लोग हैं, वे भी आर्मी में रहे थे और अजय सिंह ने भी अपने पिता की तरह, चाचा की तरह और भी परिजनों की तरह आर्मी को चुना, देश की रक्षा के लिए देश की आर्मी को चुना। तो अजय सिंह 2 महीने पहले ही छुट्टियों पर घर आए थे और उसके बाद ड्यूटी पर लौट के, ये भी जानकारी सामने है कि 2 दिन पहले यानी कि 18 जुलाई को ही अजय सिंह वापस अपने गांव लौटने वाले थे छुट्टियों पर, लेकिन उसके पहले ही ये मुठभेड़ कल जम्मू के डोडा जिले में हुई, जंगलों में हुई और अजय सिंह की प्राणों की आहुति वहां पर हुई। तो ऐसे में मैं बता रहा था कि 18 जुलाई को ही अजय सिंह छुट्टियों पर घर लौटने वाले थे, इसके पहले भी 2 महीने पहले वे यहां पर आए थे। 18 जुलाई को वे घर लौटते उसके पहले ही उनकी पार्थिव देह आज तिरंगे में लिपट करके और उनके पैतृक गांव जाएगी। वहीं पर दूसरे जो सिपाही हैं ब्रजेंद्र सिंह, वे भी झुंझुनू के डूमली कला गांव की यानी जो ढाणी खूबा के रहने वाले थे, 2018 में आर्मी में भर्ती हुए थे ब्रजेंद्र सिंह। 2019 में ब्रजेंद्र सिंह की शादी हुई, उनके 2 बेटे हैं, इनमें 4 साल का बच्चा और दूसरा बेटा जो है वो 1 साल का है। शहीद का छोटा भाई यानी ब्रजेंद्र सिंह जो कि शहीद हुए हैं, उनका छोटा भाई भी दशरथ सिंह वो भी आर्मी में ही है। और ब्रजेंद्र सिंह के शहादत की सबसे पहले जो सूचना थी वो उनके भाई दशरथ सिंह को दी गई थी, जिसके बाद दशरथ सिंह को भी छुट्टी देकर के गांव के लिए रवाना कर दिया गया था। अभी ब्रजेंद्र सिंह जो कि शहीद हुए उनके छोटे भाई दशरथ सिंह, उनकी पोस्टिंग लखनऊ में है, इंडियन आर्मी में है और परिवार में 3 बहनें और माता पिता हैं।
तो बेहद कम उम्र के ये दोनों जवान जिन्होंने देश की रक्षा को चुना वे देश के लिए शहीद हो गए दोनों ही। मैं बताना चाहूंगा कि बिजेंद्र सिंह जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है वो भी 5 दिन पहले ही घर आने वाले थे, यानी कि 5 दिन पहले बिजेंद्र सिंह को छुट्टियां लेकर के घर आना था किसी लेकिन यहां हुई डोडा जिले में हुई आतंकी घटनाओं की वजह से उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। ऐसे में बिजेंद्र सिंह जिंदा घर लौट कर नहीं आ पाए, लेकिन आज उनकी पार्थिव देह तिरंगे में लिपट करके आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। ऐसे में वहां पर गमगीन काफी माहौल है। तो मैं बता रहा था कितनी कम उम्र में इन जवानों ने देश के लिए शहादत दी। तो देखिए आर्मी के अफसर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, यहां पर राजकीय सम्मान के साथ ये जवान राइफल्स ताने राष्ट्रीय राइफल्स के जो दोनों शहीद थे उन्हें अब यहां पर सम्मान दिया जा रहा है। जी स्लोगन है, स्लोगन निश्चय कर। तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने इन जवानों को श्रद्धांजलि दी है।